और बिहार में एक तरफ नदियां उफान पर हैं तो दूसरी तरफ सियासत की धारा भी तेज है। बाढ़ के नाम पर एक तरफ आरजेडी सरकार पर हमले कर रहा है तो एनडीए पूछ रहा है कि इतनी बड़ी विपदा में आखिर तेजस्वी यादव हैं कहां। बिहार में बाढ़ के उफान पर सियासत की हवा भी जोर पकड़े हुए है। कोई 40 साल का हिसाब मांग रहा है तो कोई इन डूबते लोगों का मसीहा खुद को बता रहा है। एक सरकार दिल्ली में, विपक्ष विदेश में, तो सरकार दिल्ली अब विपक्ष विदेश। बिहार में बाढ़ से बर्बादी के बाद नेता बाढ़ पीड़ितों के बीच घूम रहे हैं। सहरसा में चिराग पासवान ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत का सामान बांटा और दावा किया कि प्रधानमंत्री खुद बाढ़ को लेकर चिंतित है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तत्परता से एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, इस बात को सुनिश्चित कर रही कि सबसे पहले रेस्क्यू इवैक्यूएशन हो ताकि उसमें किसी तरीके की कोई दुखद घटना हम लोगों को सुनने को ना मिले। पिछले दो दिन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी एनडीआरएफ के साथ बैठक कर इस बात को सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम लोग किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरते। बिहार में सियासत इस बात पर भी हो रही है कि बाढ़ की इस विपदा के बीच तेजस्वी यादव दुबई क्यों घूम रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने कहा, सरकार दिल्ली में बैठी है तो विपक्ष विदेश में बैठा है। हाई डैम को लेकर नेपाल से वार्ता क्यों नहीं हो रही। तो जो लोग कहते थे बांध टूटेगी तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, तो कब लेंगे? और नेपाल से इतना डर भारत सरकार को क्यों? नेपाल से आखिर वार्ता कब होगी? एक सरकार दिल्ली में, विपक्ष विदेश में, तो सरकार दिल्ली अब विपक्ष विदेश। वहीं बाढ़ के मुद्दे पर मंत्री लेसी सिंह ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। लेसी सिंह ने कहा कि आरजेडी के राज में कहा जाता था बाढ़ आया है मछली खाओ, ऐसे लोगों को सरकार के काम पर बोलने का अधिकार नहीं। उनके पार्टी के जो सर्वमान्य नेता है उनके द्वारा बाढ़ में किस तरह की बातें की जाती थी कि बाढ़ आया है मछली खाओ, किस तरह की चर्चा लोगों का माखोल उड़ाया जाता था वो दिन भी याद है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों के लिए कित संकल्पित है। फिलहाल बिहार का बड़ा इलाका बाढ़ से बेहाल है और सियासत पर पानी तेज धार बह रहा है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण, सहरसा से कुमार अवनव और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर के सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्टिव है। सीएम एरियल सर्वे के लिए निकले और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हालात को देखते हुए सीएम ने हवाई मार्ग से बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। सीएम के निर्देश का असर अब हुआ है, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के कई जिलों में बांध टूटने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ के क्या हालात हैं ये तस्वीरें बताने को काफी हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ सीएम ने हेलीकॉप्टर से दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ की विभीषिका ऐसी है कि पानी से घिरे गांव में राहत सामग्री पहुंचाने में भी दिक्कत आ रही है। लिहाजा सीएम ने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल उन इलाकों में तो जो खाद्य सामग्री है वो हवाई मार्ग से भी गिराने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश के निर्देश के बाद युद्ध स्तर पर राहत बचाव शुरू हो गया है। एयरफोर्स के चॉपर के जरिए खाद्य सामग्री बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। सीतामढ़ी के बिलसंड और रून्नी सैदपुर में दरभंगा से हवाई मार्ग के जरिए खाने का पैकेट लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। दो चॉपर से एयर लिफ्टिंग कर बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता की जा रही है। सीएम के एरियल सर्वे के बाद सीतामढ़ी जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की देखरेख में जीविका दीदियों की मदद से खाने का पैकेट तैयार किया जा रहा है।
2 किलो चूड़ा, 1 किलो चना और आधा किलो चीनी पैकेट में भर कर दिया जा रहा है। राहत सामग्री के साथ जरूरी दवाइयां भी दी जा रही है। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक लगभग 4 से 5 हजार पैकेट लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो सब जगह पहुंच रहा है? हाँ, सब जगह पहुंच रहा है। विभाग के द्वारा गाड़ी है, पिकअप है, उसके माध्यम से आपदा प्रबंधन देख रही है, इसमें सभी विभाग सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ अब प्रशासनिक अमला भी सक्रिय हो गया है। ये कोई पहला मौका नहीं जब सीएम नीतीश कुमार ने किसी बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया है। बाढ़ को लेकर सीएम काफी दिनों से एक्टिव है और लगातार एरियल सर्वे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम आगे क्या कदम उठाते हैं। संवाददाता संजय कुमार और शैलेंद्र साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बाढ़ से परेशान लोग सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर रहने को मजबूर हो रहे हैं।